Next is solar panel recycling plant. So most part of this of a solar module can be recycled, including up to 95% of the certain semiconductor materials. So or glass, as well as large amounts of ferrous and non-ferrous metals. So solar panels recycling plant. So if a solar module can be recycled, किया जाएगा up to 95% certain semiconductor materials and और द ग्लास एज वेल एज लार्ज अमाउंट्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स को बनाया जाएगा. ठीक है, तो लार्ज अमाउंट. ओके, नेक्स्ट फोटोवोल्टिक फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स, जहाँ पर वो क्या करेगा ना, एब्जॉर्ब सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट करने के लिए एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स. नेक्स्ट इज माइक्रोहाइजल फंगी इज होस्टेड बाई द ट्रीज इन द रूट्स टू रिसीव nutrients from the soil. These fungi provide essential nutrients like NPK. So mycorrhizal fungi is hosted by the trees. Hosted कौन करेगा, by the trees in their roots to receive nutrients, receive करने के लिए soil से. Okay, this is from the soil. So hosted by the trees in their roots, उसका true roots जो है, जो मूल है उसमें से receive करेगा nutrients. दिस फंगी प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, लाइक एनपीके प्रोवाइड करेगा. एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. एंड नेक्स्ट इज अल्डब्रा टोडाइज नाउ फाउंड इन सीचेल्स. हैज गिफ्टेड ए पेयर ऑफ जायंट अल्डब्रा टोडाइज टू इंडिया. सो गिफ्टेड ए पेयर ऑफ जायंट अल्डब्रा टोडाइज दिया है इंडिया को, गिफ्ट दिया है सीचेल्स. द पेयर विल बी केप्ट एट हैदराबाद जू में उसको रखा गया है. IUCN कंजर्वेशन स्टेटस में वो वल्नरेबल है अभी. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अल्डब्रा टोडाइज कौन दिया है, सेजल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सेजल्स ने दिया है अल्डब्रा टोडाइज को. तो IUCN रेड लिस्ट, मतलब IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में. एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड प्राइज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्लोबल अवार्ड्स फॉर इंडिविजुअल्स हुज ब्रेक थ्रू अचीवमेंट लाइक एलिवेट हंगर एंड प्रमोट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है किसके लिए देते हैं ना, इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्लोबल अवार्ड्स फॉर इंडिविजुअल्स को देते हैं, जो क्या करते हैं ना, ब्रेक थ्रू अचीवमेंट एलिवेट हंगर को दूर करते हैं एंड प्रमोट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को करते हैं. वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर आ रहा है और 2 दिन बाद. नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म. एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग लॉन्च किया है. तो इसका एम क्या है, दिस इनिशिएटिव इज एम्ड एट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम फॉर वुमेन अक्रॉस इंडिया एंड टू रियलाइज देयर एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेशंस. तो वहाँ पर एक इंडिया के अंदर क्या करेगा ना, एक एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेशंस बनाया जाएगा. तो उनको पता है कि मैंने वुमेन फ्रेंडली होगा और वुमेन इको सिस्टम होगा, मतलब इको सिस्टम फॉर वुमेन अक्रॉस द इंडिया टू रियलाइज देयर एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेशंस. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. सो इट एक्सपोर्ट क्रेडिट ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. तो ये प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रेडिट इंश्योरेंस देते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर इंडियन जो एक्सपोर्टर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए. इट कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ये कंट्रोल कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन लॉन्च करते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ HRD रिफील एट UGC एक्ट 1956. तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रिफील कौन किया है ना, UGC एक्ट 1956 में इसको रिफील किया गया है. एंड फोकस क्या रहते हैं ना, फोकस ऑफ द कमीशन विल बी ऑन इम्प्रूविंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है. तो यहाँ पर फोकस किया है ना, अगर ना फोकस ऑन द कमीशन विल बी इम्प्रूविंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन. तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तो मिनिस्टर ऑफ HRD के अंदर आएगा, इसको रिपील किया गया है UGC एक्ट 1956 में. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम. तो SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, इट इज एन इमरजेंसी फ्यूल स्टोर ऑफ टोटल 5 मिलियन मेट्रिक टन्स. इमरजेंसी फ्यूल स्टोर, तो इमरजेंसी फ्यूल स्टोर जहाँ पर 5 मिलियन मेट्रिक टन फ्यूल रहेगा
अब एडिशनल 6 मिलियन मेट्रिक टन फैसिलिटी अब किया गया जाएगा अब टू लोकेशन में, लाइक चांडीखोल इन ओडिशा एंड पादुर इन कर्नाटका में, दो जगह में, दो प्लस प्लस में वहाँ पर बनाया जाएगा 6.5 मिलियन MMT मिलियन मेट्रिक टन। तो लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजिक इमरजेंसी फ्यूल है, अभी 5 मिलियन मेट्रिक टन है, सो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व के अंदर। देखिए इथानॉल, इथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, EBP, इथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इथानॉल का जो देखिए संकेत C2H5OH, C2H5OH ब्लेंडेड पेट्रोल EBP। तो ये प्रोग्राम EBP प्रोग्राम क्या है, इट वॉज लॉन्च इन जनवरी 2003। द प्रोग्राम सॉट टू प्रमोट द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। यहाँ पर क्या क्या ना प्रमोट कर रहा है क्या ना, ऑल्टरनेटिव एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल बनाया जाएगा, इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। 2003 में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरमेंट, द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द IAV ऑफ द 1992 में, सो रियो अर्थ समिट में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है टू हेल्प टैकल और प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जो बहुत सारा प्रॉब्लम है इंडिया में मतलब और वर्ल्ड में, तो उसको सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए इसको बनाया गया है, और द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जहाँ पर टोटल मेंबर्स 183 कंट्री अभी मेंबर हैं। नेक्स्ट सोलर चक्र मिशन, सोलर चक्र मिशन क्या है, इट विल सोलर चक्र मिशन, इट विल जनरेट एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया में, एम्प्लॉयमेंट देते हैं एंड कंट्रीब्यूट करते हैं तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए कोशिश कराने की कोशिश करते हैं सोलर चक्र मिशन। तो नेक्स्ट इज सागरमाला, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर, तो द प्रोजेक्ट सीक्स टू डेवलप स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स अराउंड द इंडियस कोस्ट, इंडियस का कोस्ट में स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स बनाया जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चीज उद्यम उद्यम संघ संगम, उद्यम संगम 2018 मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आएगा, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एफर्ट टू डेवलपिंग एंड डेवलपिंग इफेक्टिव इकोसिस्टम फॉर MSME सेक्टर में, डेवलप किया जाएगा, डेवलपिंग इफेक्टिव इकोसिस्टम बनाया जाएगा MSME सेक्टर में। तो उद्यम संगम 2018 मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आएगा। तो इसका एफर्ट क्या है ना, इम्पोर्टेंट एफर्ट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एफर्ट इन डेवलपिंग इफेक्टिव इफेक्टिव क्या डेवलप किया जाएगा, इफेक्टिव इफेक्टिव इको सिस्टम फॉर MSME सेक्टर में। नेक्स्ट इज संपर्क पोर्टल, इट इज़ एन डिजिटल प्रोग्राम टू कनेक्ट 5 लाख जॉब सीकर्स विद रिक्रूटर्स यूथ। तो यहाँ पर संपर्क पोर्टल में डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा 5 लाख जॉब सीकर्स को, जो जॉब ढूंढ रहा है तो उसको रिक्रूट किया जाएगा। तो नेक्स्ट इज नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट, तो इट इज़ टू सपोर्ट नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट, जो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री दैट आर ऑफ स्ट्रेटजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ पर जिसका स्ट्रेटजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस रहता है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द कंट्री दैट आर स्ट्रेटजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस रहते हैं जिसका। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अदर्स, थैंक यू।